नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जेल से बाहर आ सकती है दुष्कर्म के दोषी बाबा राम रहीम की राजदार हनीप्रीत। पंचकुला हिंसा मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के हरियाणा पंचकुला हिंसा मामले में अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की कथित राजदार हनीप्रीत हिंसा की जमानत याचिका मंजूर हो चुकी है। दरअसल बुधवार को पंचकुला में CGM कोर्ट में हिंसा मामले में सुनवाई थी। इस दौरान अंबाला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई हनीप्रीत ने जमानत याचिका भी लगाई। कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी। 25 अगस्त 2017 को पंचकुला स्थित CBI की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ईसा को डेरे की दो पूर्व साथियों के साथ यौन शोषण का दोषी करार दिया था। इसके बाद पंचकुला में हिंसा भड़क गई थी और यह हरियाणा पंजाब के अलावा आसपास के कई राज्यों में फैल गई। इस मामले में 36 लोगों की जान भी चली गई। हनीप्रीत पर आरोप था कि डेरे के समर्थकों को हिंसा के लिए उसी ने उकसाया था। इसके बाद ही समर्थकों ने पंचकुला में जमकर उत्पात मचाया। इसके बाद 1200 पेज की चार्जशीट भी दाखिल हुई। पुलिस ने शुरुआत में 1200 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी उनमें हनीप्रीत भी एक थी। इसके अलावा भी उनके कई साथी थे जिन पर केस दर्ज किए गए। लेकिन आज पंचकुला कोर्ट ने हनीप्रीत के सभी आरोपियों की सुनवाई हुई थी। सभी आरोपी कोर्ट में पेश किए गए पर हनीप्रीत थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बता दें कि पिछली सुनवाई भी हनीप्रीत व अन्य आरोपियों के धारा 121 व 121A हटा दी गई थी क्योंकि ये कई धाराएं देशद्रोही के मामले में थी। सभी आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 51 और 152, 153 व 120B के तहत आरोप तय किए गए थे। पिछली सुनवाई में मामले में दर्ज की गई FIR नंबर 345 में हनीप्रीत के खिलाफ लगी देशद्रोही की धारा 121 और 121A को हटा दिया गया था क्योंकि पुलिस कोर्ट में देशद्रोह व देशद्रोह में साजिश रचने का आरोप साबित नहीं कर पाई। इसके बाद जो धाराएं बची थी उनमें जमानत हो सकती थी। उसी को ध्यान में रखते हुए हनीप्रीत के वकील ने जमानत के लिए याचिका दायर की। याचिका पर आज सुनवाई हुई और हनीप्रीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई। अन्य आरोपी प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में अदालत ने फैसला सुनाते हुए हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर कर ली। इसके अलावा हिंसा मामले में पहले भी दर्ज 3 अलग अलग FIR में आरोपियों को देशद्रोह की धारा से हटा दिया गया। इस मामले में करीबन 40 आरोपी हैं और उनमें से कई आरोपियों को कोर्ट में भगोड़ा भी करार दिया जा चुका है जबकि कुछ के गिरफ्तारी के वारंट भी जारी हो चुके हैं। अब देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।